Hello students, welcome to my channel. I'm Dr. Vinita Negi, making maths learning easy and simple. आज हम study कर रहे हैं asymptote. Asymptote किसी भी given curve के लिए वो line है जिसको हम infinity या minus infinity की ओर proceed करें तो वो curve and वो line, asymptote line, आपस में कहीं भी intersect नहीं करेंगी, कहीं भी मिलेंगी नहीं. ठीक है ना? तो asymptote किसी भी given curve के लिए वो लाइन है जिसको हम infinity या minus infinity की तरफ proceed कराते हैं. तो यहाँ पे आपके पास तीन टाइप के asymptote हैं. सबसे पहले है आपके पास horizontal asymptote. Horizontal means यहाँ पे जो वो asymptote लाइन है x axis के parallel होगी. Horizontal इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो x axis के parallel लाइन है and x axis से उस asymptote लाइन की जो डिस्टेंस है वही डिनोट करेगी इस एसिम्प्टोट की इक्वेशन को. एंड इसको हम डिनोट करेंगे समथिंग y इज इक्वल टू प्लस माइनस b. ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्टिकल एसिम्प्टोट. वर्टिकल एसिम्प्टोट मींस अब जो एसिम्प्टोट लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल है एंड y एक्सिस की और उस लाइन की बीच की जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग हम एसिम्प्टोट को डिनोट करते हैं समथिंग x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी. ओके, ये जो प्लस माइनस आप y इज इक्वल टू समथिंग प्लस माइनस b कह रहे हैं या x इज इक्वल टू समथिंग प्लस माइनस c कह रहे हैं, यहां पे ये प्लस माइनस डिनोट करता है कि आपकी जो एसिम्प्टोट लाइन है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी दोनों की साइड प्रोसीड हो रही है. ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन ऑफ कर्व. थर्ड एसिम्प्टोट हमारा आता है ऑब्लिक एसिम्प्टोट. यहाँ पे जो एसिम्प्टोट लाइन है ना वो x एक्सिस के पैरेलल होगी ना वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, वो होगी कुछ y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहां पे m उस एसिम्प्टोट लाइन के लिए स्लोप है. यहाँ पे m इज नॉट इक्वल टू जीरो. अगर m आपका जीरो हो गया यानी कि वो x एक्सिस है. इट मीन्स जब आप ऑब्लिक एसिम्प्टोट को स्टडी कर रहे हैं वहां पे आपके पास लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c की आएगी. तो एसिम्प्टोट की इक्वेशन ऑब्लिक के केस में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आएगी. ठीक है, तो किसी गिवन कर्व के लिए ये तीन एसिम्प्टोट हैं एंड ये एसिम्प्टोट हम फाइंड आउट कैसे करेंगे वो हम स्टडी करेंगे. इसका एक जनरल वर्किंग मेथड है, उसके अकॉर्डिंग हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी गिवन कर्व के लिए एसिम्प्टोट्स फाइंड कर लें. ठीक है, तो इस तरीके से हम एसिम्प्टोट फाइंड करते हैं. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो जरूर बताइए आप, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियोस अपलोड करती रहूंगी. तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. तो आइए हम शुरू करते हैं. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ वी कैन फाइंड एसिम्प्टोट फॉर एनी गिवन कर्व. हियर दिस इज जनरल वर्किंग रूल टू फाइंड एसिम्प्टोट्स फॉर एनी गिवन कर्व. तो वो जनरल वर्किंग रूल क्या है जिससे हम किसी भी कर्व के एसिम्प्टोट्स फाइंड कर सकें. नंबर वन, सबसे पहले आपको क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इन द गिवन कर्व इक्वेशन. आपके पास जो गिवन इक्वेशन है उसमें आपको पुट करना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. जहां जहां y है y को आप रिप्लेस कर देंगे एम एक्स प्लस सी से एंड उसको सॉल्व करेंगे. ओके, देन सेकेंड आप क्या करेंगे, इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशियंट्स ऑफ टू हाइएस्ट पावर ऑफ x एंड देन अब आपकी जो y इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी x में. ठीक है, मीन्स आपके पास इक्वेशन में x क्यूब वाले टर्म होंगे, x स्क्वायर वाले टर्म होंगे एंड सो ऑन. तो आपको जो इक्वेशन आपको x में मिली उसमें टू हाइएस्ट पावर ऑफ x को इक्वेट करना है जीरो से. एंड ऐसा करने से क्या हो जाएगा, जब हम इक्वेट करेंगे हाइएस्ट पावर को जीरो से तो हमें m की और c की वो वैल्यू मिल जाएगी, अननोन वैल्यू मिल जाएगी. एंड फॉर एवरी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ m एंड c वन एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व कैन बी डिटरमाइंड. मींस आपके पास m और c की रिस्पेक्टिव जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो आपको उस कर्व के लिए एसिम्प्टोट्स दे देंगे. ठीक है ना, तो क्या करना है आपको, y = mx + c पुट करना है, x में इक्वेशन मिल जाएगी एंड x में जो इक्वेशन मिलेगी उसकी जो टू हाइएस्ट पावर ऑफ x को इक्वेट करेंगे जीरो से, m एंड c की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड देन y = mx + c में आप m और c की रिस्पेक्टिव वैल्यू रखते रहेंगे तो आपको वो एसिम्प्टोट्स मिलते जाएंगे. ओके, तो इस पे बेस हम एक क्वेश्चन लेते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द एसिम्प्टोट्स ऑफ गिवन कर्व. ये आपके पास एक गिवन कर्व है जिसके लिए आपको सारे के सारे एसिम्प्टोट्स फाइंड करने हैं. ओके, तो सबसे पहले वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो आपकी गिवन इक्वेशन है वहां आप y = mx + c
पुट करेंगे एंड देन हमें जो एक नई इक्वेशन मिल जाएगी वो मिल जाएगी इस टाइप की. तो इस तरीके से हमें y इज इक्वल टू mx प्लस c में एक नई इक्वेशन मिली. अब क्या करते हैं, हम इसके दो हाईएस्ट डिग्री टर्म को जो कि x में है उनको हम इक्वेट करते हैं जीरो से. हम पहले कलेक्ट करें x क्यूब, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पे x क्यूब और x स्क्वायर है, तो हम पहले केवल x क्यूब और x स्क्वायर वाले टर्म कलेक्ट करते हैं, बाकी को नहीं कलेक्ट करेंगे हम, ठीक है ना, जो हमें यूज करना है. तो पहले हम देखें x क्यूब के क्या क्या कोफिशियंट आते हैं. सबसे पहले दैट इज 1, ओके. फिर आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x क्यूब, यानी कि यहाँ पे आएगा 2m, ओके. देन यहाँ पे जब इसका होल स्क्वायर होगा तो m स्क्वायर x स्क्वायर, एंड ये x स्क्वायर यहाँ x क्यूब बन जाएगा, तो m स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई होके आपको मिल जाएगा माइनस m स्क्वायर. एंड जब मैं इसको होल क्यूब के अकॉर्डिंग ओपन करूंगी तो m क्यूब x क्यूब आएगा, तो ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई होके आपको मिल जाएगा माइनस 2m क्यूब. ये हमारे x क्यूब के सारे एलिमेंट है, बिकॉज यहाँ आप सारे x क्यूब से छोटे वाले टर्म है, ठीक. नेक्स्ट हम देखें x स्क्वायर के टर्म को. x स्क्वायर का टर्म है आपका c, जब मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर से, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2c, ओके. देन जब मैं mx प्लस c का होल स्क्वायर करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2mxc, एंड वो इस x से मल्टीप्लाई होने के बाद आपको क्या दे देगा, x स्क्वायर. तो आपको यहां से कोफिशियंट क्या मिला, माइनस 2mc. देन आगे बढ़े, यहाँ पे जब आप mx प्लस c का होल क्यूब करेंगे, a क्यूब आएगा, b क्यूब आएगा, देन 3 दिस स्क्वायर इंटू दिस, यानी कि 3m स्क्वायर x स्क्वायर c, एंड ये इससे मल्टीप्लाई होने पे आपको x स्क्वायर का कोफिशियंट क्या दे देगा, माइनस 2 3 6m स्क्वायर c. x और mx आपको मल्टीप्लाई करके दे देगा x स्क्वायर का कोफिशियंट प्लस m, ठीक है. एंड जब ये mx प्लस c का होल स्क्वायर होगा तो यहां से जो m स्क्वायर x स्क्वायर आएगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा नेगेटिव साइन, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस m स्क्वायर. आगे आपको x स्क्वायर के कोफिशियंट नहीं मिलेंगे, प्लस सो ऑन इक्वल टू जीरो. बाकी इक्वेशन आपकी है, लेकिन हमें क्योंकि केवल हाईएस्ट डिग्री टर्म चाहिए तो हम x क्यूब और x स्क्वायर के ही कोफिशियंट कलेक्ट करते हुए जाते हैं, ओके. अब ये जो हमारे कलेक्ट हुए हैं कोफिशियंट, क्या करेंगे आप, x क्यूब और x स्क्वायर के जो कोफिशियंट है उनको हम इक्वेट करेंगे जीरो से. तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी 1 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब इक्वल टू जीरो. एंड दूसरी इक्वेशन क्या मिली हमें, ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमें मिल गए. अब इन्हें सॉल्व करें, इक्वेशन 1 हमें मिली, इक्वेशन 2 हमें मिली, ठीक. अब इक्वेशन 1 को देखिए, इससे क्या मिलता है मेरे रिजल्ट. इक्वेशन 1 में इसको और इसको साथ में लूं तो मुझे मिल जाएगा 1 माइनस m स्क्वायर, ओके. एंड जो रिमेनिंग टर्म बचे मेरे पास, दिस वन एंड दिस वन, इसमें मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, प्लस 2m, ठीक है. तो यहाँ पे बच जाएगा 1 एंड इस वाले में क्या बच जाएगा, माइनस m स्क्वायर, ठीक है. एंड दैट इज इक्वल टू 0. अब मैं 1 माइनस m स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ एंड यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस 2m इक्वल टू 0. क्या मिला, एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी m स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर m इज इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 1. एंड जब ये वाला टर्म आप 0 रखेंगे तो यहाँ से 2m इज इक्वल टू माइनस 1 या m इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, ओके. तो आपको m की 3 वैल्यू मिल गई, क्योंकि आपकी जो x की पावर हाईएस्ट क्या है, 3, तो m की भी हमें 3 ही वैल्यूज मिलेंगी, 1 माइनस 1 माइनस हाफ, ठीक है. अब हमें c की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करें, जो इक्वेशन 2 है हमारी, हम c की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें हम c के कोफिशियंट एक साथ करते हैं एंड यहाँ पे मैं इन तीनों में c कॉमन ले लेती हूँ, तो बचेगा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर. एंड जो ये बाकी रिमेनिंग टर्म है मैं दूसरी साइड ले जाती हूँ, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m. एंड यहाँ से जो रिलेशन आया c का वो आ जाएगा m स्क्वायर माइनस m अपॉन 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर. तो c का एक रिलेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ m. तो हम क्या करते जाएंगे, m के अकॉर्डिंग c की वैल्यू निकालते जाएंगे. जब आपका m इज इक्वल टू क्या है, 1, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 अपॉन जो भी आप वैल्यू रखें, 1 अपॉन 1 माइनस 1 है, तो c आपको क्या मिल गया, ठीक है ना, c की वैल्यू क्या मिल गई, 0. अब m इज इक्वल टू मैं
माइनस वन रखती हूँ तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन का स्क्वायर वन, एंड माइनस वन ये हो जाएगा प्लस वन. ओके, टू माइनस टू इंटू माइनस वन दैट इज प्लस हो जाएगा, एंड माइनस सिक्स माइनस वन का स्क्वायर पॉजिटिव वन. तो ये आ गया सॉल्व करके, वन प्लस वन टू, एंड टू प्लस टू फोर, माइनस सिक्स दैट इज माइनस टू. सी की वैल्यू मिल गई माइनस वन. ओके, इसी तरीके से जब एम की वैल्यू हमने क्या ली, माइनस हाफ, तो सी की वैल्यू माइनस हाफ का स्क्वायर दैट इज वन बाई फोर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन बाई टू, अपॉन टू माइनस टू इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ये वन बाई टू, माइनस सिक्स इंटू वन बाई टू का स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा वन बाई फोर. सिंप्लीफाई करें इसे, टू आपका कट हो जाएगा, ये टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, एंड देन सिंप्लीफाई किया तो आपको सी की वैल्यू मिल गई इस तरीके से वन बाई टू. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से, जब m इज इक्वल टू वन है, c इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आपको जो एसिम्प्टोट्स मिल जाएंगे, हैंस. ठीक है, y इज इक्वल टू एम क्या है वन, तो x प्लस c क्या है जीरो, तो y इज इक्वल टू x. ठीक है, इसी तरीके से दूसरा वाला y इज इक्वल टू, अब क्या है m माइनस, तो माइनस x प्लस c क्या है माइनस वन. एंड थर्ड वाला y इज इक्वल टू माइनस m इंटू एक्स प्लस सी यानी कि वन बाई टू. एंड इसको सिंप्लीफाई करें हम तो हमारे पास तीन एसिम्प्टोट है, वाई इज इक्वल टू एक्स, इसको मैं लिख देती हूँ वाई प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो. एंड यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टू से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा टू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू वन. तो हमारे पास इस गिवन कर्व के लिए तीन एसिम्प्टोट्स आ गए. ओके, वाई इज इक्वल टू एक्स, y प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, टू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू वन. ओके, तो इस तरीके से हम इस वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग किसी भी कर्व के लिए एसिम्प्टोट्स फाइंड कर सकते हैं.